हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में जानेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है। स्टैंड बाई सेक्शन देखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है स्टैंड बाई सेक्शन बना हुआ है, और इसका काम क्या है कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वीडियो सेक्शन को आवश्यकता अनुसार सप्लाई देने का काम करता है। तो यहाँ पर जो स्टैंड बाई सेक्शन बना हुआ है, तो इसके काम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगा होता है, जो कि स्टैंड बाई सेक्शन के काम को कंट्रोल करता है। और स्टैंड बाई सेक्शन जा कर के हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वीडियो सेक्शन के काम को कंट्रोल करता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो प्लस पिन होता है वो पिन नंबर 17 होता है। 17 को 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जबकि वीडियो सेक्शन का पॉजिटिव पिन 47 होता है, यानी कि 47 नंबर पिन होता है। और 47 नंबर पिन को हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर उसके लिए ही स्टैंड बाई सेक्शन बना होता है। स्टैंड बाई सेक्शन में जो 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है, जिसका यहाँ पर बेस, कलेक्टर और यहाँ पर इमीटर होता है। फिर एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसका यहाँ पर बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है। और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है, जिसका यहाँ पर बेस, कलेक्टर, इमीटर होता है। तो कुल मिलाकर के 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है और ये 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, जबकि ये डायोड ट्रांजिस्टर है। कैसे समझेंगे कि ये 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है और ये कैसे समझेंगे कि 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, तो आप बहुत ही आसानीपूर्वक जाँच कर सकते हैं। आईसी का पिन नंबर 17, जो कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर का प्लस पिन होता है, आईसी के पिन नंबर 17 को कंटिन्यूटी के रेंज में मल्टीमीटर को फिट करके आईसी के पिन नंबर 17 है, यानी कि 17 नंबर पिन जो है, जिस ट्रांजिस्टर से जो है कंटिन्यूटी बतलाए, तो वो मानिए कि आपका जो है 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। तो देखिएगा कि ये पिन नंबर 17 है, यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद ये 9 के बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 नंबर पिन जो है आपको इस ट्रांजिस्टर से कंटिन्यूटी बतलाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर, जिस ट्रांजिस्टर से कंटिन्यूटी बतला दे, तो समझिए कि वो 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। इसके बाद आईसी का पिन नंबर 47, यानी कि 47 नंबर पिन जो है, आप देखिएगा कि यहाँ पर 47 नंबर पिन है, 47 नंबर पिन को जो है इस ट्रांजिस्टर से कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए। तो देखते हैं कि इस बतलाना है, तो जो 47 नंबर पिन से कंटिन्यूटी बतला है वो 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर होगा, और जो आपका 17 नंबर पिन से कंटिन्यूटी बतला है वो 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर होगा। और या ये जो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। तो यहाँ समझना ये है कि 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर आपको इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करता है, 5 वोल्ट वाले ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करता है। अगर ये 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, तो उस स्थिति में 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर भी आपका काम नहीं करेगा। तो 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर कब काम करेगा, जब 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर सही होगा, तब 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर ही जाकर के 5 वोल्ट के ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करता है। और ये ट्रांजिस्टर आपका, इसके काम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसको स्टैंड बाई ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए आपका यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगा होता है, जो कि तीनों ट्रांजिस्टरों के काम को कंट्रोल करने का काम करता है, कि ये ट्रांजिस्टर जो है अपने इमीटर से 8 वोल्ट निकाले कि नहीं निकाले, और निकाल करके इसके पिन नंबर 17 को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और यहाँ से निकलने वाला 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के पिन नंबर 47 को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इसका निर्धारण कौन करता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी करता है। और माइक्रो प्रोसेसर आईसी के साथ है, आप देखिएगा कि यहाँ पर पावर की और साथ ही साथ रिमोट का सेंसर, जिसके द्वारा रिमोट के द्वारा या पावर की के द्वारा इस आईसी के काम को कंट्रोल करते हैं। और यह आईसी जा करके इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करता है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर जा करके इस 8 वोल्ट वाले ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करता है, और 8 वोल्ट वाले ट्रांजिस्टर जा करके इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने का काम करता है, 5 वोल्ट के ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने का काम करता है। सबसे पहले अभी हम लोग इस आईसी के बारे में विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, और क्योंकि अगर ये आईसी अगर फॉल्टी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी आपका स्टैंड बाई सेक्शन काम जो है नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस आईसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आईसी जो है किस प्रकार से काम करता है। इस आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले 9 और पिन नंबर 55 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। आईसी के पिन नंबर 9 और 55 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। थोड़ा सा जूम करते हुए हम लोग देखेंगे कि आईसी के पिन नंबर 9 और 55 को पॉजिटिव सप्लाई कैसे मिलता है। तो देखिएगा कि पावर सप्लाई से 12 वोल्ट की सप्लाई
आउट होती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से 12 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई से आउटपुट से विभिन्न मान का सप्लाई आउट होता है, या 110 वोल्ट, कहीं से 24 से 27 वोल्ट, कहीं से आपको 12 वोल्ट और कहीं से 18 वोल्ट। तो यहाँ से निकलने वाला आपका 12 वोल्ट का सप्लाई ऐसे होते हुए इस ट्रे को पकड़े हुए यहाँ आता है। यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा होता है। जंपर का मतलब है जंप करने वाला, एक जगह से दूसरे जगह जो है उछलने वाला। ये जो है आपका क्या होता है कि यहाँ का वोल्ट जो है जंप करके यहाँ चला जाता है। जंपर के रूप में यहाँ पर तार लगा होता है, और जंप करने के बाद में यही वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचता है। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, और रेजिस्टेंस के द्वारा यही सप्लाई आपको कहाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा जैसे ही सप्लाई यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर उस 12 वोल्ट के लाइन से आने वाला सप्लाई को यहाँ पर एक 5 वोल्ट का जीनर और एक कैपेसिटर लगा होता है। ये दोनों मिल करके यहाँ पर 5 वोल्ट फिक्स करने का काम करते हैं। कौन? तो यहाँ का लगा हुआ जीनर और कैपेसिटर मिल करके 5 वोल्ट बनाने का काम करते हैं। और जब यहाँ पर 5 वोल्ट बन जाता है, तो यही 5 वोल्ट ले जा करके इस आईसी के पिन नंबर 9 को दिया जाता है, ताकि यह आईसी भली भांति काम करे। और साथ ही साथ यही सप्लाई एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 55 को चला जाता है। तो 9 और 55 को सप्लाई कहाँ से मिलता है? तो 12 वोल्ट के लाइन से जो है, यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा, 12 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मिला है कि ऐसे होते हुए 9 और 55 को सप्लाई मिलता है। 9 और 55 को सप्लाई मिलने के बावजूद भी आईसी काम नहीं कर सकता है। अगर आईसी से कुछ रिलेटेड पुर्जे हैं जो कि गड़बड़ हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उस स्थिति में भी यह आईसी काम नहीं कर सकता है। और आईसी के पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ वोल्ट निकलता है। पावर ऑन ऑफ वोल्ट तभी निकलेगा जब आईसी सही होगा, और आईसी से रिलेटेड कुछ पिन हैं जो पिन से संबंधित पुर्जे अगर सही होंगे, तभी पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ वोल्ट बाहर निकलता है। तो आइए पहले समझते हैं इस आईसी के बारे में विस्तार से, कि आईसी किस प्रकार से यह काम करता है। सबसे पहले तो ये जान गया कि आईसी के पिन नंबर 9 और 55, ये 55 नंबर पिन है, 55 को सप्लाई देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस आईसी के पिन नंबर 6 और 7, आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ क्रिस्टल लगा होता है। आईसी का यह पिन नंबर 6 और 7 है, और 6 और 7 के साथ एक क्रिस्टल लगा होता है। दिखिए यह पिन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, 6 और 7 के साथ यहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है। क्रिस्टल है जो आपको जो यहाँ लगा होता है, ये क्रिस्टल क्या करता है, तो एक प्रकार का ये आईसी का धड़कन होता है, जिसके नहीं धड़कने से आईसी काम करना बंद कर देता है। और उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 64 से जो पावर ऑन ऑफ वोल्ट निकलना चाहिए, वो निकलना बंद हो जाता है। तो पिन नंबर 6 और 7 के साथ क्रिस्टल लगा होता है यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि आईसी के पिन नंबर 5, आईसी के पिन नंबर 5 जो है वो रीसेट पिन होता है। आईसी के पिन नंबर 5 के साथ यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो कि आईसी के फंक्शन को रीसेट करने का काम करता है। तो आईसी के पिन नंबर 5 से लगे हुए कोई भी पुर्जे खराब हो जाएंगे, तो उस स्थिति में भी ये आईसी काम करना बंद कर देता है। और जब आईसी काम करना बंद कर देगा, तो पावर ऑन ऑफ वोल्ट जो पिन नंबर 64 से निकलना चाहिए, 64 से निकलना चाहिए, वो निकलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पिन नंबर 5 के साथ लगे हुए पुर्जे के बारे में जाने कि 5 से लगा हुआ पुर्जा खराब हो जाएगा तो आपका आईसी काम करना बंद कर देगा। 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल भी अगर खराब हो जाता है, तो आईसी काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर एक मेमोरी आईसी लगा होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि एक मेमोरी आईसी लगा होता है। कहाँ? तो यहाँ पर एक मेमोरी आईसी लगा होता है। यहाँ पर जो मेमोरी जो आईसी लगा होता है, तो ये आईसी का पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल मिलाकर के इसमें 8 पिन बने हुए मेमोरी आईसी के। ये मेमोरी आईसी का एक प्रकार का ब्रेन आईसी है, जो कि इस आईसी के साथ जुड़ा होता है, जो कि आईसी जो भी काम करता है वो सारे काम को यह रिकॉर्ड रखता है, और जब आवश्यकता होती है तो इस आईसी को देने का काम करता है। तो आप देखिएगा कि इस आईसी के पिन नंबर 8 है। 8 जो है ये 55 नंबर जो सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, वही सप्लाई चला जाता है इस आईसी के पिन नंबर 8 को चला जाता है। जबकि 7 नंबर पिन ये निगेटिव लाइन में होता है। 57 और 58 नंबर पिन से इस आईसी के ये दोनों पिन जो है जुड़े होते हैं। 57 और 58 यानी कि 57 और 58 नंबर पिन से ये जो है दोनों जुड़े होते हैं। तो देखिएगा
कि यहाँ पर ये वाला जो लाइन है यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ गया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा एक चला गया 57 नंबर पिन को और एक चला गया ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस के द्वारा 58 नंबर पिन को 58 और 57 के साथ जो है यहाँ पर जो है आईसी ये जुड़ा होता है। अगर ये आईसी भी ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर का प्रोग्रामिंग अगर उड़ जाता है तो उस स्थिति में भी आपका जो है ये आईसी काम करना बंद कर देता है और उस स्थिति में आपका यहाँ से निकलने वाला जो है पावर ऑन ऑफ जो वोल्ट है वो निकलना बंद हो जाएगा। और क्या जानना है कि पावर की आईसी के पिन नंबर 3 से लगाते हैं हम लोग, तो आईसी के पिन नंबर 3 के साथ लगा हुआ पावर की से संबंधित अगर फॉल्ट अगर उत्पन्न हो जाता है तो भी जो है आपका पावर की दबाने पर सेट ऑन नहीं होगा। और आईसी के पिन नंबर है, आप देखिएगा कि इस आईसी के पिन नंबर 63 के साथ सेंसर का प्रयोग किया जाता है। आईसी के जो पिन नंबर 63 होता है उसके साथ सेंसर प्रयोग किया जाता है, जो कि यह सेंसर जो है आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह सेंसर ये 63 के साथ जो है जुड़ा होता है। तो ये भी अगर फॉल्टी हो जाएगा तो आपका पावर ऑन ऑफ जो है पिन नंबर 64 से निकलने वाला पावर ऑन ऑफ वोल्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो आइए पहले चेक करते हैं कि क्या जो है वोल्टेज की क्या स्थिति है, वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आइए वोल्टेज के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर देंगे और वोल्टेज के रेंज में मल्टीमीटर को फिट करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि क्या आईसी के पिन नंबर 9 और 55 को सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए ये आईसी का पिन नंबर 9 है, तो 9 पर देख रहे हैं कि लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। इसके बाद देखेंगे 55, तो 9 का यहाँ सप्लाई ऐसे होता है पिन नंबर 55 पर सप्लाई मिलनी चाहिए, तो 55 को भी सप्लाई मिल रही है हमको। इसके बाद देखेंगे कि यही सप्लाई चला जाता है ये मेमोरी आईसी को, मेमोरी आईसी को चला गया सप्लाई, मेमोरी आईसी को काम करने के लिए सप्लाई चला गया। इसके बाद और क्या जानना है हमको कि जो है आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ क्रिस्टल लगा होता है, तो क्रिस्टल पर वोल्टेज की जांच हम लोग को नहीं करना। अगर क्रिस्टल पर आप वोल्टेज की जांच करते हैं तो उस स्थिति में आईसी के अंदर हाई ओसोलेशन होगा और हाई ओसोलेशन की स्थिति में आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर तत्काल ही खराब हो सकता है, तो इसलिए क्रिस्टल पर वोल्टेज की जाँच जो है नहीं करना होता है। यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यह ट्रांजिस्टर जो है जो रीसेट के रूप में आईसी के पिन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यह पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो है यहाँ आया है, वो यहाँ से एक आपको रेजिस्टेंस के द्वारा चला गया है कहाँ पर, तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है पिन नंबर 5। इसके बाद एमीटर जो है पॉजिटिव लाइन में होता है, 5 वोल्ट का पॉजिटिव लाइन में होता है और बेस भी देखिएगा कि विभिन्न पुर्जों के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन से जुड़ा होता है बेस। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये रीसेट जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये भी अगर फॉल्टी हो जाता है, इससे संबंधित पुर्जे खराब हो जाते हैं पिन नंबर 5 से जुड़ा हुआ, तो उस स्थिति में यह आईसी काम करना बंद कर, पावर को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए वोल्टेज 0, आप पावर को अब ऑफ कर रहे हैं, ऑफ करने के बाद यहाँ का वोल्टेज जो है मिलना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिमोट को दबाने के बाद भी आपको यहाँ से पावर ऑन ऑफ वोल्ट बाहर नहीं निकलता है, या पावर की को दबाने के बाद भी पावर जो है आपका ऑन ऑफ वोल्ट यहाँ से बाहर नहीं निकलता है, तो उस स्थिति में कैसे जांच करेंगे। तो क्या जांच करना है, सबसे पहले 9 और 55 को सप्लाई की जांच करेंगे, इसके बाद यहाँ का क्रिस्टल की जांच करेंगे, पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल, आईसी के पिन नंबर 5 के साथ लगा हुआ रिसेट सर्किट है, और आईसी के पिन नंबर 57 और 58 के साथ लगा हुआ जो यहाँ पर आईसी लगा हुआ मेमोरी आईसी, इसकी हम लोग जांच करेंगे। और ये इसके अलावा आईसी भी ख़राब हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यह पावर की भी फॉल्टी हो जाता है, तो आपका जो है यहाँ से पावर ऑन ऑफ वोल्ट नहीं निकलता है, या रिमोट में खराबी हो जाती है तो भी यहाँ से पावर ऑन ऑफ वोल्ट बाहर नहीं निकलता है, या यहाँ पर सेंसर ख़राब हो जाता है तो भी जो है पावर ऑन ऑफ वोल्ट बाहर नहीं निकलता। तो ये कैसे समझेंगे कि हमारा की से संबंधित कोई खराबी है कि नहीं है। तो देखिए की का जो पिन होता है वो आईसी का पिन नंबर 3 होता है। 3 जो है हम लोग देखेंगे कि पिन नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और इसके बाद पिन नंबर 63 के साथ लगा हुआ जो हमारा जो सेंसर लगा होता है ये किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है, कैसे हम लोग जो है इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए की सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, की को दबाने पर आईसी के पिन नंबर 3 का वोल्टेज वैरी होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो देखिए आईसी के पिन नंबर 3 पर भी वोल्टेज की जांच कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि आईसी के पिन नंबर 3 पर वोल्टेज 1
यह दो और ये रहा तीन, तीन पर वोल्टेज जो है हमको जब की को दबाएंगे तो वोल्टेज बल मिलना चाहिए। देखिए जब की दबाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है, देखिए जब जब की दबाएंगे तब तब वोल्टेज मिलना चाहिए, कहाँ तो पिन नंबर तीन पर वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग की दबाने पर अलग अलग वोल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बराबर वोल्ट आए तो समझिए कि की में फॉल्ट है, यानी कि कोई की जो है शॉर्ट कर गया है। तो आइए देखते हैं, तो ये आईसी का पिन नंबर तीन हो गया। तीन पर देखिए इस की को दबाने पर देख रहे हैं कि लगभग एक वोल्ट 1.0 यानी कि एक वोल्ट, इस की को दबाने पर देख रहे हैं कि 1.7 वोल्ट, इस की को दबाने पर इसकी को दबाए तीसरा की दबाए तो 2.2 वोल्ट, अब इस की को दबाए तो 2.8 वोल्ट, अब इस की को दबाए तो देख रहे हैं कि 3.4 वोल्ट, जब इस की को दबाए तो 4.2 वोल्ट, यानी कि हर की को अलग अलग की को जैसे जैसे दबाएंगे वैसे वैसे पिन नंबर तीन का वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। अगर ये बदलाव एक बराबर हो तो मान के चलिए कि इसके अंदर का कोई जो है की जो है शॉर्ट कर गया है। तो ये जो है की का कनेक्शन कैसे होता है तो ये भी हम लोग थोड़ा देर में समझ लेंगे कि किस प्रकार से की का कनेक्शन होता है। इसके अलावा ये जानना है कि यहाँ पर जो सेंसर लगा हुआ है सेंसर, अब यहाँ पर रिमोट के द्वारा जैसे जैसे हम लोग पावर को ये रिमोट ले लिए या कोई भी बटन को दबाएंगे तो आईसी के पिन नंबर 63 जो है सेंसर से जुड़ा हुआ पिन होता है तो 63 का वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं तो यहाँ पर मिल रहा है 4.6 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। अब ये देखिए कोई भी बटन दबाएंगे तो आईसी का यहाँ का वोल्टेज बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो ये देखिए रिमोट का कोई भी की दबाने पर जो है देखते हैं ये की दबाए, देखिए ये वाला की दबा रहे हैं, जैसे ही दबाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा, फिर यह दबा रहे हैं वोल्टेज चेंज, फिर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अलग अलग की को दबाने पर वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। अगर वोल्टेज में बदलाव होता है 63 नंबर पिन का वोल्टेज में बदलाव हो तो ये समझिए कि आपका रिमोट भी सही है और यहाँ पर लगा हुआ जो आपका जो सेंसर जो लगा हुआ है जो कि रिमोट के सिग्नल को कैच करता है वो सब सही है और इसका कनेक्शन भी सही है। अगर 63 नंबर पिन का वोल्टेज में बदलाव हो तब अगर रिमोट का दबाने पर, तो देखिए अब ये पावर जैसे दबा दिए तो देखते हैं कि यहाँ वोल्टेज बदलना चाहिए, फिर यहाँ दबाते फिर वोल्टेज बदलना चाहिए, छोड़ देंगे तो एक समान वोल्ट प्राप्त हो रही है, जैसे ही इसको दबाते हैं तो वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग की को दबाने पर पिन नंबर क्या होता है तो रिमोट के अलग अलग की को दबाने पर पिन नंबर 63 का वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। और साथ ही साथ बटन के लिए जाँच कैसे करेंगे कि बटन से फॉल्ट है कि क्या है तो पिन नंबर तीन का वोल्टेज जो है बदलना चाहिए, कब, जब हम लोग जो है ये पावर की को जैसे जैसे अलग अलग की को दबाएंगे तो उसी अनुसार से बदलना चाहिए। तो इसके पहले समझते हैं कि कैसे जो है इसका कनेक्शन किया हुआ है, किस प्रकार से ये जो है सर्किट जो है काम कर रहा है। सप्लाई को काटने के बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। आगे क्या समझना है कि कंटिन्यूटी करेंगे, मल्टीमीटर को फिट कर दे रहे हैं और यहाँ समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है की का कनेक्शन किया जाता है, की का जो है कनेक्शन यहाँ होता है, की के साथ दो तार होते हैं तो की में दो तार का कनेक्शन किया जाता है तो यहाँ पर की होता है। की में देखिएगा कि एक जो है की का एक सिरा डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है, जो यह 5 वोल्ट का लाइन है उस 5 वोल्ट का लाइन से कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए। तो की का यह सिरा जो है देखेंगे कि 5 वोल्ट का लाइन से कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए, देखिए बतला रहा है। तो ये वाला जो सिरा है वो 5 वोल्ट का लाइन से बतलाना चाहिए तो कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए, कौन, तो की का ये वाला सिरा, एक सिरा 5 वोल्ट का लाइन से बतलाना चाहिए। अगर नहीं बतलाता है तो ये मानिए कि 5 वोल्ट के लाइन से इसका कनेक्शन टूट गया है, उसको हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, मिलाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि दूसरा सिरा चला जाता है कहाँ, तो इस आईसी के पिन नंबर 3 के साथ जुड़ा होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है। जो दूसरा सिरा होता है वो देखिएगा कि आपको यहाँ पहुँचता है यहाँ पर और यहाँ आता है दूसरा सिरा और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है और रेजिस्टेंस के द्वारा ये तो यहाँ पतला रहा कंडक्टिव। तो की का एक सिरा तो पॉजिटिव लाइन से होता है, अभी हम लोग मिलाएंगे पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है की का एक सिरा, और की का एक सिरा पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है। दूसरा सिरा देखते हैं कि यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा ये सिरा देखते हैं कि यह सीधे चला गया है आईसी के पिन नंबर कहाँ, तो 3 के साथ। तो इस प्रकार से 3 के साथ जो है यह जो है जुड़ा हुआ है। तो 3 जब यहाँ पर की, तो की का देखिएगा
कि की यहाँ पर की लगे हुए हैं, की के यहाँ से यहाँ पर की के सभी सिरों को एक अभी एक एक सिरे को क्या किया गया है तो डायरेक्ट ले जाकर के पॉजिटिव लाइन से जोड़ा गया है, और की के दूसरे सिरे को क्या किया जाता है कि विभिन्न रेजिस्टेंस के द्वारा कनेक्शन करते हुए ले जा करके आईसी के पिन नंबर 63 के साथ कनेक्शन किया गया है, और जैसे जैसे की को दबाएंगे वैसे वैसे आईसी के पिन नंबर 63 का वोल्टेज में बदलाव होना आईसी के पिन नंबर 3 में वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए। और अब सेंसर के बारे में मिलाते हैं कि सेंसर किस प्रकार से, सेंसर का कनेक्शन किस प्रकार से इसमें किया गया है। तो देखिएगा कि सेंसर के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर 3 टर्मिनल बने हुए हैं, और तीनों टर्मिनल का के द्वारा यहाँ पर सेंसर में 3 तार जो है जोड़ा गया है। तो 3 तार का कनेक्शन किया गया है कहाँ, तो यहाँ पर किया गया है। तो सेंसर को काम करने के लिए, सेंसर के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सेंसर के उठे हुए भाग को सामने करेंगे और इसके लेग को नीचे करने के बाद जब देखेंगे तो ये जो है RGP पढ़ते हैं। आज सेंसर के उठे हुए भाग को सामने करके और जब देखते हैं तो RGP पढ़ते हैं। R का मतलब है रिमोट, G का मतलब है ग्राउंड और P का मतलब है पॉजिटिव। तो RGP, तो ये रिमोट पिन है, ये ग्राउंड पिन है और ये पॉजिटिव पिन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 टर्मिनल बने हुए जो कि सेंसर के लिए बने हुए हैं, तो यहाँ देखेंगे कि इसमें से एक जो आपका टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होगा। तो देख रहे हैं कि एक टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव जो यहाँ मिलेगा जो कि 5 वोल्ट का लाइन से है, तो 5 वोल्ट का लाइन से जो यहाँ पॉजिटिव मिलता है वही पॉजिटिव जो है सेंसर को सिरे को, यह पॉजिटिव सिरा है, इसमें चला गया होगा। तो देखिए सेंसर का ये जो सिरा है देख रहे हैं कि पॉजिटिव लाइन से कंटिन्यूटी बतलाएगा, ये पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन से कंटिन्यूटी। और अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है सेंसर का एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, और एक देखेंगे कि सेंसर का ये वाला जो सिरा होगा वो निगेटिव लाइन से, कोई एक सिरा निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ, तो ये देखिए निगेटिव लाइन है, तो यह निगेटिव लाइन से है और यही निगेटिव जो है इस सेंसर के बीच वाला सिरा से बतलाना चाहिए। तो देखते हैं कि यह बीच वाला सिरा निगेटिव, और सेंसर का जो ये वाला जो सिरा हो गया जो कि आपका रेमो सिरा है, तो रिमोट के द्वारा जो भी सिग्नल इसमें देंगे वो सिग्नल जो यहाँ आता है वही सिग्नल यहाँ से निकलने के बाद में वो कहाँ चला जाता है, तो यहाँ चला आता है, यहाँ पर आता है, और यहाँ से यहाँ एक आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस के द्वारा ये टर्मिनल सीधे चला जाता है ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 63 पर 63 पर। इस प्रकार से जो सेंसर है का जो रेमो पिन है RGP, तो रिमोट जो पिन है ये पिन जो है आईसी के पिन नंबर है कहाँ से, तो पिन नंबर 63 से कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले यह यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा ये हमारा जो है पिन नंबर 63 से जुड़ा हुआ है। तो रिमोट को दबाने पर आईसी के पिन नंबर 63 का वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए, और की को दबाने पर आईसी के पिन नंबर 3 के वोल्टेज में बदलाव होना चाहिए, और आईसी का पिन नंबर 5 से लगा हुआ रीसेट सर्किट अगर सही होगा, और आईसी का पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल सही होगा, और आईसी का यहाँ पर आपका मेमोरी आईसी अगर सही होगा तो उस स्थिति में जो है, और आईसी को सप्लाई मिलता होगा, तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 64 से पावर ऑन ऑफ वोल्ट निकलेगा। इसको वोल्टेज रेंज में फिट कर दिए, फिट करने के बाद में अभी देख रहे हैं कि पिन नंबर 64 पर देख रहे हैं, यहाँ पर फिट कर दिए 64 पर, तो अभी देख रहे हैं कि 0 वोल्ट मिल रहा है, और जैसे ही इसको पावर को रिमोट के द्वारा पावर को यहाँ पर यह सेंसर लगा हुआ है, तो अभी यहाँ पर पावर को जैसे ही जो है अभी पावर ऑन है, पावर को जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देखिए पावर को अभी हम लोग क्या कर दिए, तो पावर को ऑफ कर दिए, पावर ऑफ करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए, और पावर को अब दूसरी बार में ऑन करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज गायब हो जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ का वोल्टेज जो है चेंज होने का मतलब है कि आईसी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके बाद अब क्या है, तो अब यही यहाँ का पावर ऑन ऑफ वोल्ट यहाँ से निकल करके आप देखिएगा कि यहाँ चला जाता है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ एक डायोड के द्वारा यही वोल्टेज निकल करके चला जाता है सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को चला जाता है। ये 12 वोल्ट के लाइन है, 12 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर सप्लाई हमको मिलना चाहिए, ट्रांजिस्टर के बीच वाला जो सिरा है यहाँ का सप्लाई मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई हम लोग चेक कर रहे थे, लगभग 11 वोल्ट की सप्लाई कहाँ, तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को मिल रहा है सप्लाई कहाँ से, तो ये 12 वोल्ट के लाइन से निकलने वाला जो सप्लाई होता है वो 12 वोल्ट के लाइन से निकलने वाला सप्लाई ट्रांजिस्टर के कहाँ मिला, तो कलेक्टर को मिला 12 वोल्ट की सप्लाई। और
अब देखेंगे कि यही कलेक्टर का सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ से यहाँ एक क्या लगा होता है, तो रेजिस्टेंस लगा होता है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, दो रेजिस्टेंस के द्वारा यही 12 वोल्ट की सप्लाई आपको इस ट्रांजिस्टर के भी कलेक्टर को चला जाता है। तो इसके भी कलेक्टर को सप्लाई मिला और इसके भी कलेक्टर को सप्लाई मिला, ये दोनों को सप्लाई कहाँ से मिला, तो 12 वोल्ट के लाइन से मिला। 12 वोल्ट के लाइन से अगर सप्लाई प्राप्त नहीं हो कहाँ, तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, तो ये रेजिस्टेंस खराब होगा, यहाँ से यहाँ लगा होगा, यह रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस खराब होगा, ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, तो 12 वोल्ट के लाइन से आपका 1.5 ओम का रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो इसके कलेक्टर को सप्लाई प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद यही कलेक्टर का सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, और फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, दो रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई हमको इसके कलेक्टर को भी मिलना चाहिए। तो दोनों के कलेक्टर को सप्लाई कहाँ से, तो 12 वोल्ट के लाइन से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो मात्र जो है किसमें खराबी होगी, तो 12 वोल्ट का लाइन से लगा हुआ, पहले तो 12 वोल्ट की जांच करेंगे, और 12 वोल्ट का लाइन से यहाँ पहला रेजिस्टेंस अगर ख़राब होगा तो यहाँ का सप्लाई नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर सप्लाई मिले और यहाँ पर सप्लाई नहीं मिले तो ये दोनों रेजिस्टेंस में से कोई रेजिस्टेंस खराब होंगे। और जब दोनों के कलेक्टर पर जब सप्लाई मिले तो अब बेस पर मिलना चाहिए 8 वोल्ट। जब इस ट्रांजिस्टर के बेस को 8 वोल्ट देंगे ना, तब यहाँ से 8 वोल्ट निकलना चाहिए। तो अभी तो देख रहे हैं कि बेस पर वोल्टेज नहीं है, बेस पर वोल्टेज अभी देख रहे हैं कि मात्र 1 वोल्ट से भी कम है, 0.79 वोल्ट है, तो इसलिए यहाँ का वोल्टेज जो है कम है। यहाँ का भी बेस का वोल्टेज देख रहे हैं कि जो है 0.42 वोल्ट है, तो इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ के वोल्टेज बेस को वोल्टेज कहाँ से मिलता है, तो इसके बेस को वोल्टेज को देने के लिए 24 वोल्ट के लाइन से आपको रेजिस्टेंस लगा होता है। देखिए ये 24 वोल्ट का लाइन है, यहाँ से यहाँ 24 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है। 24 से 27 वोल्ट की सप्लाई जो हमको यहाँ पर प्राप्त होती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 से 27 वोल्ट की सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, और एक रेजिस्टेंस के द्वारा 3.3 के एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस को वोल्टेज प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ का वोल्टेज जो है क्या है, तो गायब हो गया है। गायब कहाँ से कैसे हो गया है, ये रेजिस्टेंस जो है आप बदलते रह जाइएगा फिर भी यहाँ पर वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के वोल्टेज को गायब करने का मुख्य कारण क्या है, गायब होने का मुख्य कारण क्या है कि ये ट्रांजिस्टर क्या किया है कि यहाँ पर जो 8 वोल्ट आता है 24 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए 24 वोल्ट के लाइन से जो है यहाँ पर 8 वोल्ट दिया जाता है, तो 8 वोल्ट तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ के 8 वोल्ट को ले क्या होता है कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा यही 8 वोल्ट ऐसे होते हुए आप देखिएगा कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर चला जाता है 8 वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर क्या किया है कि इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया है। तो जैसे ही क्या है कि पावर को हम लोग ऑन करेंगे, जब ऑन करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ का वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। जैसे ही पावर को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर पावर को भी ऑन कर रहे हैं, ये पावर को ऑन किए, जैसे ही पावर को ऑन किए तो देखिए यहाँ का वोल्टेज जो है आपका बढ़ गया। जब यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया तो देखेंगे कि यहाँ का भी वोल्टेज बढ़ गया, लगभग जो है 9 के आसपास वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर, तो ट्रांजिस्टर के बेस पर। अगर जीनर 9 वोल्ट का लगा होगा तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर 9 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये 9 वोल्ट कहाँ से आता है, तो 24 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए यहाँ पर 9 वोल्ट आता है। लेकिन 9 वोल्ट को क्या किया कि यहाँ के 9 वोल्ट को ले जा करके ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए ये ट्रांजिस्टर क्या करता है कि ये इसके दोनों पांव जब पावर को ऑफ करते हैं तो ये दोनों पावर आपस में सट जाते हैं, और जब सट जाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है गायब हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगर इस ट्रांजिस्टर ये इसके दोनों पावर कब सटेंगे, जब पावर को क्या करते हैं तो ऑफ करते हैं। पावर ऑफ की स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज आता है, और जब वोल्टेज आता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, तो सट जाते हैं। और जब सट जाएंगे जब पाँव, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी 9 वोल्ट मिल रहा है, और जब यह पाँव सट जाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ का वोल्टेज जब जीरो हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ भी वोल्टेज घट जाएगा। और जब यहाँ का वोल्टेज घट जाएगा तो जब यहाँ पर वोल्टेज 1 से कम मिलने लगेगा तो यहाँ भी वोल्टेज जो है कम निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे कि
24 वोल्ट का लाइन, 24 वोल्ट का लाइन से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, ठीक। और यहाँ के वोल्टेज को गायब करने का काम कौन करता है, तो ये ट्रांजिस्टर करता है। जैसे ही जो है पावर ऑफ करते हैं तो पावर ऑफ की स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज आता है, और यहाँ का निकलने वाला वोल्टेज क्या होता है कि यहाँ से ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है। जब बेस को वोल्टेज आता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, तो सड़ जाते हैं। और जब पाँव सड़ जाते हैं तो ये तो माइनस लाइन में जुड़ा हुआ है, ये पाँव जो है हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मिला है कि ये निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। और जब ये दोनों सिरे को अगर आपस में अगर आप सटा दीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ का वोल्टेज जो है गायब हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल रही है, और जैसे ही जो है ये दोनों सिरे को आपस में हम लोग सटाते हैं, देखिए यहाँ सटाते हैं, सटा दिया था यहाँ का वोल्टेज जीरो। जब यहाँ का वोल्टेज जब घट गया, जब दोनों पंप सट गया तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ घट जाता है, और जब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का वोल्टेज जब खत्म हो गया तो यहाँ पर 8 वोल्ट मिलना बंद, और जब यहाँ पर 8 वोल्ट मिलना बंद तो यहाँ पर भी जो है हमारा वोल्टेज मिलना बंद है। 20 वोल्ट के रेंज में फिट करके चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से एक बार, कि देखिएगा कि यहाँ पर अभी वोल्टेज जो है मिल रहा है, लगभग 9 वोल्ट के आसपास की सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी वोल्ट की सप्लाई, तो 5 वोल्ट की सप्लाई। लेकिन यहाँ के वोल्टेज को गायब करने का काम कौन करता है, तो ये ट्रांजिस्टर करता है। ट्रांजिस्टर का बीच वाला सिरा जो कलेक्टर है वो यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ के बेस के वोल्टेज को गायब करने का काम करेगा। कब? जब ये दोनों ट्रांजिस्टर के पाँव आपस में सटेंगे तब। ये सटाना आपको काम नहीं है, ये क्या होता है कि ये दोनों पाँव को सटाने का काम कौन करता है, तो ये आईसी करता है। आईसी से जैसे ही वोल्टेज मिलता है तो ये दोनों पाँव आपस में सट जाते हैं, और जब ये दोनों पाँव आपस में सटेंगे, दोनों लेग आपस में सटेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज जीरो। जब यहाँ का वोल्टेज जब घट घट जाएगा तो यहाँ का भी वोल्टेज गायब हो जाएगा, कम मिलने लगेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज में 0.42 वोल्ट के आसपास सप्लाई, यानी कि 1 वोल्ट से भी कम वोल्ट, और यहाँ पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर भी जो है 0.16 वोल्ट, यानी कि 1 से भी कम वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस स्थिति में ये 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के पिन नंबर 47 को जाता है, तो अभी तो 5 वोल्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए वीडियो सेशन काम करना बंद कर देगा, और यहाँ से 8 वोल्ट की सप्लाई निकलना चाहिए। जबकि ये 8 वोल्ट सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है तो अब मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी काम नहीं करेगा। तो जैसे ही इसके पाँव को हटा दिए तो यहाँ पर वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा। तो ये दोनों पाँव को सटाने और हटाने के लिए ही क्या होता है कि आईसी के पिन नंबर 64 से ऑन ऑफ वोल्ट बाहर निकलता है। तो देखिए अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वोल्टेज मिल रहा है, लगभग कितना वोल्ट मिल रहा है, तो लगभग जो है 9 के आसपास वोल्ट मिल रहा है। अब देखिए पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रिमोट से पावर को हम लोग ऑन कर रहे हैं। अभी तो ऑन है, तो ऑन है तो देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है। और जैसे ही जो है अब देखिए बीच वाले सिरे पर रखे हुए हैं, जैसे ही इसके पावर को क्या किए, तो पावर को अभी हम लोग अभी कर रहे हैं, पावर को हम लोग कर रहे हैं ऑफ। अब ये देखिए जब रिमोट दबा दिए, पावर को ऑफ कर दिया, यहाँ का वोल्टेज जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों पाँव आपस में सट गए। क्यों सट गए, क्योंकि इसका बेस का वोल्टेज बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज जो है अभी देख रहे हैं कि 6.89 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ का वोल्टेज कैसे बढ़ गया, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है क्योंकि यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया, यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा यह जो है जा करके इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज को बढ़ा दिया। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज बढ़ा तो ये दोनों आपस में सट गए, और सटने की स्थिति में यहाँ का वोल्टेज जो है घट गया। जब सट गया तो यहाँ का वोल्टेज घटा, और यही वोल्टेज घटा हुआ यहाँ भी घट गया। जब यहाँ पर घट गया तो ये दोनों पाँव आपस से हट जाएंगे। जब बेस का वोल्टेज घटता है तो दोनों पाँव आपस में से हटते हैं, और इस प्रकार से यहाँ से 8 वोल्ट निकलना बंद। और जैसे ही जो है देखेंगे कि यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज देख रहे हैं कि अब जो है पावर को क्या कर रहे हैं, तो अभी तो पावर क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का वोल्टेज जो है कम निकल रहा है, यानी कि पावर ऑफ है। तो पावर ऑफ की स्थिति में वोल्टेज बढ़ा रहेगा, और पावर को जैसे ही जो है बढ़ा हुआ रहेगा, और पावर को जैसे ही ऑन करेंगे तो वोल्टेज घट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी घट गया, अभी देख रहे हैं कि 0.20 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिल रही है। किस स्थिति में, जब पावर को हम लोग क्या किए, ऑन किए। जब ऑन करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है घट जाना चाहिए। जब यहाँ का वोल्टेज घटेगा तो ये दोनों पाँव हटेंगे, और जब दोनों पाँव हटे तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा, और यही बढ़ा हुआ वोल्टेज यहाँ पर मिला। और यहाँ पर जब 9 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, 9 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये 24 वोल्ट का लाइन से यहाँ पर 9 वोल्ट आया, और यहाँ पर जीनर,
और साथ ही साथ इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, जीनर और कैपेसिटर लग करके यहाँ के जो है यहाँ से कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पर गीनर लगा होता है, ये दोनों मिलकर के 9 वोल्ट फिक्स रखने का काम करते हैं। और 9 वोल्ट रहे कि नहीं रहे इसके लिए यहाँ पर लगा हुआ ट्रांजिस्टर होता है, और यहाँ ये इस ट्रांजिस्टर को काम करने का कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर लगा हुआ आईसी करता है। अब देखेंगे कि 5 वोल्ट का सर्किट, हम लोग पहले ही जानते हैं कि 8 वोल्ट का सर्किट, 5 वोल्ट का सर्किट कब काम करेगा, जब 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर सही रहेगा तब। तो 8 वोल्ट तो अभी देख रहे हैं कि 8 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, अब यही 8 वोल्ट देखेंगे कि ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ चला जाता है 8 वोल्ट, और यही 8 वोल्ट चला जाता है आईसी के पिन नंबर कहाँ, तो 17 नंबर पिन को, यानी कि 17 नंबर पिन को 8 वोल्ट की सप्लाई, जो कि हमको सप्लाई मिल रही है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो 8 वोल्ट का सब सप्लाई जो यहाँ निकला वो सप्लाई यहाँ मिला, और यहाँ का सप्लाई फिर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा यही 8 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पर एक जीनर लगा होता है 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का एक जीनर और एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है। ये 5 वोल्ट का जीनर और कैपेसिटर मिलकर के इधर से आने वाला 8 वोल्ट, कहाँ से 8 वोल्ट आया, तो ऐसे होते हुए यहाँ से निकलने वाला 8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा, जैसे ही 8 वोल्ट आया लेकिन यहाँ पर लगा हुआ जीनर उस 8 वोल्ट को किस में कितना वोल्ट में बदलने का काम करता था, 5 वोल्ट में। जब यहाँ पर 5 वोल्ट हो जाएगा तो जब बेस को मिलेगा 5 वोल्ट, तो दोनों 5 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ से 5 वोल्ट निकलना शुरू हो जाता है। और कलेक्टर पर वोल्टेज कहाँ से मिलता है, तो अभी थोड़ा देर पहले मिला है कि जो 12 वोल्ट का जो लाइन है, 12 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा, 1.5 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा, 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर जो सप्लाई मिलता है वही सप्लाई यहाँ से निकलना चाहिए 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का सर्किट कब काम करेगा, जब 8 वोल्ट का सर्किट काम करेगा तब। और 8 वोल्ट का सर्किट कब काम करेगा, जब ड्राइवर ट्रांजिस्टर काम करेगा तब। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर कब काम करेगा, जब ये आपका जो है पावर माइक्रो प्रोसेसर आईसी काम करेगा तब।